बेसिकली मैं डॉक्टर्स फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे वाले साहब भी डॉक्टर हैं, मेरी मिसेज भी डॉक्टर हैं, मेरी सिस्टर भी डॉक्टर हैं और मैं ख़ुद भी एक डॉक्टर हूँ। हम लोगों की स्टार्टिंग जो इन्वेस्टमेंट थी ऑलमोस्ट आप समझ लें कि 1 लाख के करीब थी और इसको फिर हम रेज करते गए। लेकिन अगर आप इसको ओवरऑल इस 1.5 मंथ के जर्नी को देखें तो हमारा रेवेन्यू ऑलमोस्ट कोई 6 लाख के करीब है। फोकस है वो ये है कि हम पाकिस्तानी मार्केट को, जो कि बहुत बड़ी मार्केट है, 22-23 करोड़ लोगों की मार्केट है, इसको हम कैश करना चाह रहे हैं। इस पे जो है अपनी एक सिग्निफिकेंट एक अपना प्रोपोर्शन लेना चाह रहे हैं, जो हमारा गोल है। बहुत से जो हैं वो प्लेटफॉर्म्स और बने हैं, लेकिन ये है कि जो इज़्ज़त और जो मुकाम एक इनेबलर्स को और साकिब अज़हर साहब को, उनके उनसे अल्लाह ताला ने ये काम लेना था, उनको इज़्ज़त मिलनी थी तो वो उनको मिली है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अली आफ्ताब है और मैं झंग से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपना MBBS एज अ करियर चूज़ किया और उसको कंप्लीट किया मैंने लाहौर से, लेकिन 2-3 साल मुझे इस फील्ड में काम करने के बाद ये रियलाइज़ हुआ कि ये फील्ड शायद मेरे लिए सूट मुझे नहीं करता। तो मीनवाइल जब मैं इस चीज़ में थोड़ा सा कंफ्यूज था तो मुझे इनेबलर्स जो हैं, इनेबलर की वीडियोस कुछ फेसबुक के ऊपर मिली जिसमें मुझे थोड़ी सी डायरेक्शन अपने लिए नज़र आई। तो मैंने उस चीज़ को थोड़ा सा मज़ीद इंक्वायर किया और मैं जो कि झंग में रहता हूँ तो मैंने झंग में जो इनेबलर्स का ऑफिस है मैं वहाँ पे मैंने विज़िट किया और मैंने बकायदा जो है उस VA अमेज़ॉन के VA के तौर पे कोर्स में जो है अपनी रजिस्ट्रेशन करवा ली और बकायदा मैंने उसकी क्लासेस ली। मैंने जब ये अमेज़ॉन का VA कोर्स ज्वाइन किया तो कुछ सेशंस के, कुछ क्लासेस के बाद मुझे ये फील हुआ कि अगर मुझे इन चीज़ों को प्रैक्टिकली लेकर चलना है तो उसके लिए मुझे यहाँ पे जो इनकी को वर्किंग स्पेस है उसको, उसमें जो है एडमिशन लेना चाहिए, उसमें जो है मेंबर बनना चाहिए ताकि मैं वहाँ पे जो सीनियर्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट कर सकूँ और फिज़िकली इन चीज़ों को जो है वो एक्सपीरियंस कर सकूँ। तो ऑलमोस्ट 1.5 मंथ के बाद मैंने झंग में ही जो है वॉर्क को ज्वाइन किया और मैंने वहाँ पे जो है फिज़िकली जो वो लेक्चर्स थे अमेज़ॉन के VA के, मैंने उन पे जो है वहाँ पे वर्क स्टार्ट किया। मैंने हंटिंग और सोर्सिंग और ये लिस्टिंग, ये सब चीज़ें मैं वहाँ पे सीनियर्स के साथ डिस्कस करता था और प्रैक्टिकली उनको मैं कोशिश करता था कि मैं प्रैक्टिकली उन चीज़ों से गो थ्रू कर सकूँ। वर्क ज्वाइन करने का मुझे फ़ायदा ये हुआ कि चूंकि मेरा बैकग्राउंड जो है वो बिल्कुल डिफरेंट एक अप्रोच से था, मैंने अपना करियर मेडिसिन को चूज़ किया था, डॉक्टर एज अ डॉक्टर मैं काम करता रहा हूँ, तो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब एक बिल्कुल ही एक 180 का टर्न था। तो उसके लिए मैं अपने आप को कभी भी कन्विंस नहीं कर सका इसको, मैं इवन उससे सेटिस्फाइड नहीं था, लेकिन मैं बिज़नेस पे अपने आप को कभी ला नहीं सका। तो वर्क में आने का मुझे ये फ़ायदा हुआ कि जब मैंने बहुत से ऐसे लोग और सक्सेसफुल स्टोरीज़ वहाँ पर देखी जो सक्सेसफुली काम वहाँ पर कर रहे थे, तो उससे मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मैंने अपने आप को एक तो फिज़िकली उनके साथ अटैच किया, दूसरा ये है कि मैंने उनके साथ प्रैक्टिकली जब काम किया तो मुझे जो चीज़ें मैं क्लासेस में सीख रहा था उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म किया। तो एटलीस्ट मेरे माइंड में ये चीज़ आई कि मैं बिज़नेस को एज अ करियर चूज़ कर सकता हूँ, मुझ में ये पोटेंशियल है। ये वर्क का एक बहुत बड़ा मुझे फ़ायदा हुआ। वर्क ज्वाइन किया तो मुझे उसमें कुछ चीज़ों में इश्यूज़ आए जो कि मे बी शायद सबको आते होंगे। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आया कि मैंने जो है अमेज़ॉन का VA कोर्स मैंने ज्वाइन किया था, लेकिन जब मैंने कुछ देर इसको कंटिन्यू किया और मैंने स्टार्ट में तो बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई, मुझे क्लाइंट्स वगैरह नहीं मिले, मैंने कुछ दिन ज़ाया किए इसमें। तो उसके बाद मुझे मेरे सीनियर्स ने और मेंटोर ने मुझे सजेस्ट किया कि आप इस टाइम को ज़ाया नहीं करें, आप लोकल ई कॉमर्स में अपना जो है वो इंटरेस्ट देखें और इसमें डेवलप करें। तो इसमें मुझे, चूंकि मेरा जो सारी ट्रेनिंग थी वो अमेज़ॉन की थी और मैं इसमें बिल्कुल ही एक ऑपोजिट फील्ड, जो आप समझ लें कि लोकल ई कॉमर्स जिसमें बहुत सी चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं, तो मुझे उसमें टोटली वर्कआउट जो हेल्प आउट किया है वो मेरे सीनियर्स ने और मेंटोर ने किया। मैंने इसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं ली, क्लासेस नहीं ली, मुझे वो वहाँ पर जो मेरे सीनियर्स थे वर्क में और मेरे जो मेंटोर थे वो मुझे गाइड करते गए, तो मेरे लिए जो ई कॉमर्स पे काम करना था वो बड़ा आसान हो गया। सबसे पहले तो मुश्किल, अगर मैं ये बात करूँ कमिंग फ्रॉम डॉक्टर फैमिली, मेरे लिए सबसे पहले तो पेरेंट्स को और अपनी वाइफ को जो कि ख़ुद भी डॉक्टर हैं, मुझे उनको ये बताना और ये रियलाइज़ करवाना कि मेरे लिए ये फील्ड नहीं ठीक,
जिस फील्ड में मैं लास्ट 7-8-9 ईयर से मैं उस फील्ड में था, ऑब्वियसली उसमें ईयर स्पेंड हुए, उसमें सब कुछ चलता रहा, तो सबसे पहले तो इशू ये आया कि उनको ये रियलाइज़ करवाना कि मैं इस फील्ड में सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मेरे लिए फील्ड कुछ और है। सबसे बड़ा तो ये मसला आया। फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ जाती है जब आप वॉर में जाते हैं, आपको स्टार्ट में कॉन्फिडेंस नहीं होता। वो कॉन्फिडेंस बिल्ट अप होता है आपके सीनियर्स की हेल्प और उनकी जो गाइडेंस के थ्रू, और वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। उसके बाद मुझे इशू आया, मेरे जो इनिशियल मैं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा था, मैं एक स्टार्टअप लेना चाह रहा था लोकल ई कॉमर्स के लिए, तो उसमें चूंकि हम लोग अभी स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे थे और हमें आइडिया नहीं था कि किस तरह इसको परसू करना है, तो हम लोग रिस्क लेने से भी डर रहे थे। तो उसमें एक तो फ़ायदा ये हो गया कि सीनियर्स ने गाइड कर दिया, प्लस उन्होंने हमें एक टीम में जो है कम्बाइन कर दिया, जिससे ये है कि हमारी इन्वेस्टमेंट भी कम्बाइंड हो गई, उसमें प्रॉफिट भी कम्बाइंड था, उसमें लॉस भी कम्बाइंड था, और उसमें इक्वली जो है वो सब चीज़ें शेयर हो रही थी, तो हम इस लिहाज से थोड़ा मेंटली रिलैक्स हो गए। तो उसके बाद तो ये है कि फिर चीज़ें जो है वो मतलब स्मूथ हो गई, उसमें फिर ऐसा मसला नहीं आया। अमेज़ॉन का जो मेरा जर्नी था, VA का जर्नी, वो ऑलमोस्ट 3 मंथ्स का था जो मैंने क्लासेस ली हैं, जिसमें वन वीक में ऑलमोस्ट कोई वीक में 2-3 क्लासेस होती थी, एक प्रैक्टिकल क्लास होती थी। तो वो जब मेरा कंप्लीट हुआ, उसके बाद मैं वॉर पे जब आया हूँ, तो मैंने प्रैक्टिकली मैंने अमेज़ॉन को इतना ज़्यादा टच नहीं किया। मुझे जो है वो क्लाइंट का वेट करना पड़ा और मुझे वो फ्रस्ट्रेशन हो रही थी, तो मैंने अपने जो अटेंशन थी सारी वो डाइवर्ट कर दी लोकल ई कॉमर्स की तरफ। तो लोकल ई कॉमर्स मैंने सारा वॉर्क में सीखा। तो डे वन से जब मैं वॉर्क में आया हूँ, तो ऑलमोस्ट आप समझ लें कि 8-10 दिनों के बाद से मैंने जो है लोकल ई कॉमर्स पे काम करना शुरू किया। तो सीख तो अभी भी रहे हैं, लेकिन आप इस तरह से कह सकते हैं कि मुझे ऑलमोस्ट वॉर्क में 4-5 मंथ्स हो गए हैं। तो इस बीच में मैं इतना सीख सका हूँ कि मैं आज आपके सामने साकिब अज़हर साहब की गाइडेंस के अंडर और इनेबलर्स के प्लेटफॉर्म के अंडर मुझे इतनी हेल्प मिली, इतनी गाइडेंस मिली कि मैं आज आपके सामने एक सक्सेस स्टोरी के तौर पे सामने बैठा हूँ। हम लोगों की स्टार्टिंग जो इन्वेस्टमेंट थी वो ऑलमोस्ट आप समझ लें कि 1 लाख के करीब थी, और इसको फिर हम रेज करते गए, और इसमें अर्निंग में इस तरह आप देख सकते हैं कि अर्निंग, चूँकि अगर हम इसको कैश आउट की बात करें तो वो तो ऑब्वियसली अभी नहीं है क्योंकि हम रीइन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको ओवरऑल इस 1.5 मंथ के जर्नी को देखें तो हमारा रेवेन्यू ऑलमोस्ट कोई 6 लाख के करीब है। इस थोड़े से जो मेरा ये छोटा सा स्पैन है, जिसमें मतलब मेरी जर्नी है ई कॉमर्स के रिलेटेड, इसमें मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई, फ्रस्ट्रेशन हुई जब मैंने वो पॉइंट था, टर्निंग पॉइंट, जब मैंने अपने आप को शिफ्ट किया अमेज़ॉन से, क्योंकि एक मैं माइंडसेट एक बूम आया हुआ है मार्केट में अमेज़ॉन के रिलेटेड। तो अमेज़ॉन का जब थोड़ा सा एक चार्म थोड़ा सा ओवर हुआ, और मुझे वो जो मैं स्टार्ट में सोच रहा था कि जैसे ही मेरा कोर्स कंप्लीट होगा तो मैं मुझे जो है वो क्लाइंट्स की जो है वो लिस्ट मिल जाएगी और मेरे वेटिंग में होंगे क्लाइंट्स, तो जब मुझे वो उस तरह से वो चीज़ें मेरे सामने नहीं हुई तो मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई, और मैं सीरियसली ये सोच रहा था कि मुझे शायद मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ करने में शायद गलती की है, इस चीज़ को फैसला करने में कि ये फील्ड मेरे लिए है। तो लेकिन उसी टाइम मुझे फिर ये मैंने कुछ साकिब अज़हर साहब की वीडियोस देखी जिसमें वो ये बात करते हैं कि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको जो है उस चीज़ को यूटिलाइज़ करना है, और इवन अगर आपके पास कोई क्लाइंट नहीं आता आप अपना काम शुरू करें। तो वो एक पॉइंट था जब मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई, लेकिन फिर मुझे साथ ही उस तरफ से मोटिवेशन मिली और मैंने फिर जो है अपना काम शुरू किया। उसके बाद तो ऐसा कोई मसला नहीं हुआ। करंटली जो है हम लोग दराज़ के ऊपर लोकल ई कॉमर्स में काम कर रहे हैं, जिसमें जो है वो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हम यूज़ कर रहे हैं। इसमें दराज़ भी है, फेसबुक भी है, और इंस्टाग्राम है, और टिकटॉक है फ़िलहाल, और प्लस हम जो है आजकल अपनी जो वेबसाइट है डेवलप कर रहे हैं, और इसमें जो है हम लोगों की जो सारी जो है हमारी एफ़र्ट्स हैं वो लोकली हैं। हम लोग जो है सोर्सिंग भी लोकली कर रहे हैं, यहाँ से लाहौर में शालम मार्केट से हम सोर्सिंग कर रहे हैं, और जो हमारी सेल है, हमारी पैकेजिंग है सारी, वो हमारे अपने वेयर हाउस से हो रही है, और फिलहाल जो है हमारा यही काम चल रहा है कि हम दराज पे काम कर रहे हैं, प्लस साथ जो हम लोकल ई कॉमर्स में जो बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे काम कर रहे हैं। जो मार्केट की करंट सिचुएशंस चल रही हैं, और जितना जो है ये करेंसी का जो है डेप्रिवेशन आ रहा है, इसमें इसकी जो है वो वैल्यू जो है वो डे बाय डे अप एंड डाउन जा रही है,
और इवन आप इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करें तो इवन आपकी जो है ट्रेड्स बिल्कुल सीज हैं इस टाइम और इंपोर्ट्स बंद हैं आपकी, तो फिलहाल जो है और इवन अमेज़ॉन के हवाले से भी जो है इश्यूज़ आ रहे हैं, अमेज़ॉन पे जो है अकाउंट्स नहीं बन रहे लोकली डिटेल्स के ऊपर, तो इस वजह से फिलहाल तो जो हमारा फोकस है वो ये है कि हम पाकिस्तानी मार्केट को, जो कि बहुत बड़ी मार्केट है, 22-23 करोड़ लोगों की मार्केट है, इसको हम कैश करना चाह रहे हैं, इस पे जो है अपनी एक सिग्निफिकेंट एक अपना प्रोपोर्शन लेना चाह रहे हैं जो हमारा गोल है। तो इसमें फिलहाल तो हमारी ये जो ये लोकल प्लेटफॉर्म्स हैं और दराज है और वेबसाइट है, हम इनके थ्रू अपनी एक ब्रांडिंग करेंगे, उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे और उसके बाद अपनी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ाएंगे और उसके साथ साथ बिज़नेस करेंगे बस। बेसिकली मैं डॉक्टर्स फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरे वालिद साहब भी डॉक्टर हैं, मेरी मिसेज भी डॉक्टर हैं, मेरी सिस्टर भी डॉक्टर हैं और मैं ख़ुद भी एक डॉक्टर हूँ। तो हमारा जो मेरी मदर है वो हाउसवाइफ है, तो हम लोग सारे जो हैं वो डॉक्टर्स फैमिली ही कहलाते हैं और मैं भी इसको एज अ करियर इसीलिए चूज़ किया था कि क्योंकि मेरे वालिद साहब डॉक्टर थे तो ये कहा जाता है कि डॉक्टर सन जो है वो फिर डॉक्टर ही होगा, तो ये मेरा इनिशियली एक मेरी थॉट थी, लेकिन मैं उस फील्ड से और उस चॉइस से खुश नहीं था। काम तो मैं कर रहा था उसके अंदर, लेकिन मुझे जो है सेटिस्फेक्शन नहीं थी, रिलीफ नहीं था, मुझे वो काम अपनी नेचर के अकॉर्डिंगली नहीं लगता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब जो मैं ये काम कर रहा हूँ ई कॉमर्स का, ये मुझे लगता है कि ये मेरी नेचर के अकॉर्डिंगली है, मुझे इसमें काम करके मतलब मैं रिलैक्स फील करता हूँ, सुकून फील करता हूँ। स्टूडेंट लाइफ की मैं बात करूँ तो मतलब मैं एज अ स्टूडेंट को बहुत टॉप मोस्ट और क्रीम नहीं था किसी भी टाइम में क्लास की, मैं एक अबव एवरेज उसके साथ मैं स्कोर कार्ड के साथ मैंने ये सारा टाइम गुजारा और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ मेरी कुछ ज़्यादा नहीं होती थी और मैं थोड़ा शाय था ड्यूरिंग द एकेडमिक सेशंस, मैं लोगों को भी ज़्यादा मतलब लोगों को भी अवॉइड करता था, ज़्यादा मैं लोगों से इंटरेक्शन नहीं करता था और थ्रू आउट इसी तरह से रहा है और MBBS क्लियर की है और क्लियर करने के बाद फिर इसको प्रोफेशन बनाया जैसे पहले से प्लान था, और लेकिन ये है कि अब मैं अपने आप को थोड़ा रिलीव फील करता हूँ, शायद ये चीज़ मेरे अकॉर्डिंगली है, शायद इस वजह से ऐसे है, लेकिन अब मैं काफ़ी बेहतर हूँ इस मामले में। ऑडियंस को ये मैसेज है कि आप प्रॉपरली एक फील्ड चूज़ करें और उसमें जो है आपको किसी तरफ से भी कोई कंपल्शन नहीं होनी चाहिए, कोई आपको कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं होना चाहिए इस चीज़ को चूज़ करने में, आपको फ्रीली अपनी नेचर के अकॉर्डिंगली चीज़ों को जो है वो अपनी लाइफ के गोल्स जो है वो सेट करने चाहिए और उनको एक सिंसियर ट्राई देनी चाहिए, तो और उसके बाद फिर ये है कि अल्लाह ताला पे आप मामला छोड़ते हैं, अपनी एफर्ट आप करते हैं और लेकिन कोई हाफ हार्टेडली आपने काम नहीं करना, आप कोई भी काम करना चाहते हैं उसको एक आप कंप्लीट पुश दें और अगर आप समझते हैं कि वो चीज़ आपके लिए ठीक है तो उसको कम अज़ कम, ताकि आपको लाइफ में कभी रिग्रेट ना रहे। और मैं ये कहूँगा कि आप किसी भी फील्ड में हैं, इवन आप अगर ई कॉमर्स में आना चाहते हैं तो एक पूरे जहन के साथ और उसको टोटली अडॉप्ट करके आप इसमें आपको अटैम्प्ट लेनी चाहिए, अगर आप समझते हैं कि ये आपके अकॉर्डिंगली है तो आपको लाइफ में ये चाहिए कि एक आप एक दफ़ा इसको ट्राई करें और इसको कंप्लीट करें, अपनी तरफ से पूरी एबिलिटीज़ दें इसके अंदर, जितनी आपके पास एफर्ट्स हैं वो दें और बाकी मामला अल्लाह ताला पे छोड़ें, इंशाल्लाह आप किसी भी फील्ड में हैं आप उसमें अपने आप को सेटिस्फाइड भी पाएंगे और सक्सेसफुल भी पाएंगे। इनेबलर्स के बारे में मैं बात करूं तो मैं ये समझता हूं कि ये पायनियर हैं ई कॉमर्स को पाकिस्तानियों में इंट्रोड्यूस करवाने में, बहुत से जो हैं वो प्लेटफॉर्म्स और बने हैं, लेकिन ये है कि जो इज़्ज़त और जो मुकाम एक इनेबलर्स को और साकिब अज़हर साहब को उनसे अल्लाह ताला ने ये काम लेना था, उनको इज़्ज़त मिलनी थी तो वो उनको मिली है, तो मैं ये समझता हूँ कि उसका एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हमारी पाकिस्तानी अवाम जो है वो डेवलप्ड कंट्री से थोड़ा सा पीछे चलती है, तो इस ट्रेंड को और इस बिज़नेस को और इस तरह से बहुत से लोग जो अंडर प्रिविलेज थे या वो जॉबलेस थे, उन लोगों को एक होप देना और उन लोगों को ये बताना कि वो इंडिविजुअली भी अपने घर के कम्फर्ट में बैठ के भी अपने आप की अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बना सकते हैं, प्रोडक्टिव बना सकते हैं, इस चीज़ में मैं समझता हूँ ये माइंडसेट चेंज करने में जो है साकिब अज़हर साहब का और इनेबलर्स का बहुत बड़ा रोल है।